Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic force and pressure in this worksheet. What do we do to make an object move? Hum kisi vastu ko hilane ke liye kya karte hain? And how can we stop a moving object? और कोई गतिशील वस्तु हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, इन आर डेली लाइफ वी मेक थिंग्स मूव बाय पुशिंग देम, वी स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स और चेंज डायरेक्शन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग फोर्स. तो ये सब चीज़ें किससे होती हैं? फोर्स के जरिए हो सकती हैं. यानी हमारी डेली लाइफ में आप देखते हैं कि हम थिंग्स को, जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं, उनको मूव कराने के लिए पुश करते हैं, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट, उनको हम स्टॉप करते हैं, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसकी शेप चेंज कर देते हैं. तो ये सब किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है. देन फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. यानी फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर को हम यदि पुश करें या पुल करें तो इसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे. आई बात समझ में? जैसा भाई आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे किसी शोरूम में आपने देखा होगा बढ़िया ग्लास का वहाँ पर जो डोर लगा होता है उस पर एक तरफ पुश लिखा होता है, एक तरफ पुल लिखा होता है ना. जब आपने उसको खोला, अपनी तरफ खींचा, तो आपने क्या किया? पुल किया. जब आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे तो आपने उसको पुश किया, बाहर की तरफ खोल दिया. दोनों ही केस में आपने फोर्स अप्लाई किया. तो यही फोर्स है, चाहे हम उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. दैट मीन्स वी अप्लाइंग फोर्स. ओके, नाउ लेट्स लर्न द इफेक्ट ऑफ फोर्स. यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. फोर्स कैन, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बॉलर ने बॉलिंग की और बॉल मूव होते होते आपकी तरफ आई, आपने बैट से उस पर फोर्स लगाया और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. तो ये सब कैसे हुआ? फोर्स के कारण हुआ. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे पॉटर होते हैं, वो फोर्स लगा के, मिट्टी पर फोर्स लगा के उसकी शेप को चेंज करके डिफरेंट बर्तन बनाते हैं ना. देन मेक अ बॉडी मूव दैट इज़ एट रेस्ट. यानी कोई रुकी हुई चीज़ है, उसको मूव कराना है तो भी हम फोर्स लगाते हैं. एंड इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इंक्रीज स्पीड को इंक्रीज करना है, जैसे साइकिलिंग करते हैं, पैडल आप बहुत जल्दी जल्दी फोर्स लगाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी उसकी स्पीड, और थोड़ा हल्के से करेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. और इट कैन ऑल्सो स्टॉप इट. अगर हमें स्टॉप करना है तो भी हमें फोर्स का यूज़ करना है. तो फोर्स ये सारी चीज़ें कर सकता है. नाउ विल मूव ऑन आर ईजी क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज फोर्स. सिंपल, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, हम उसको फोर्स के रूप में परिभाषित करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स क्या कर सकता है, या फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर उसको अप्लाई किया जाता है. तो मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा है. आंसर नंबर टू, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. तो किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे. चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है. मेक अ बॉडी मूव दैट इट्स रेस्ट, कोई भी रुकी हुई चीज़ को मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स लगाया जाता है. तो जब हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज एन एक्टिविटी. क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल. पुट टिक मार्क इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स. आपको क्या करना है, नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और पुश और पुल दो कॉलम्स बना रखे हैं. आपने केवल उस सिचुएशन को देख के बताना है कि उसमें पुश हो रहा है या पुल हो रहा है. सो
लेट्स टेक अ लुक. किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना, क्या कर रहे हो आप, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हैं, राइट का निशान इधर आएगा. मूविंग अ लोडेड कार्ट, बहुत भरे हुए सामान से किसी गाड़ी को मूव कराना, दैट मीन्स पुल कर लेंगे हम उसको, हम खींचेंगे ना अपनी तरफ. आयरन पेंस अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, पुल करता है. क्लोजिंग अ डोर, क्लोजिंग को आप क्लोज कर रहे हो, उसको खोल नहीं रहे, तो क्लोज के लिए हम पुश करेंगे. देन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से पानी निकालना, इसका मतलब हम बोलते हैं ना कुएं से पानी खींचना, दैट मीन्स पुल. और थ्रोइंग अ स्टोन, पुश. नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिविंग सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स बताने जहाँ पर फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा रहा है. तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लाइक पॉटर मेकिंग पॉटरी, यानी कुम्हार जब बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो इसका यूज़ करता है. बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, मैं देखूँगा और मुझे आप बताइएगा कि आप इसमें कौन कौन से आंसर लिख रहे हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड कीप वियरिंग योर मास्क. और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.